मोदी तुम मर जा, ये मोदी तुम मर जा, कोई और आए मेरे साथ मोदी चले ना, मैं बताऊं घरों घर में जाके मोदी को कि क्या लोगों की हालत है। मैं बताऊं ना मोदी को, अनान भी मुंह से निकाल लिया मोदी जी ने, तो जो लोगों की बातों ले रहे ना इसका हिसाब एक को एक ही देना पड़ेगा। मोदी जी, बेरोजगारी है, रोजगार हो कुछ भी नहीं है, नागुजार और महंगाई बढ़ गई है, परेशान होगी दुनिया। मोदी जी कह रहे थे हम आएंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कुछ नहीं, मोदी ने ये बोला था कि हम किसी को गरीब नहीं जाने देंगे। उन्होंने गरीब को मार दिया, गरीब को मार दिया, टोटल खत्म कर दिया, गरीब जिंदा नहीं रखा, मार दिया। बाकी उन्होंने सही लफ्ज बोला कि हम गरीब को नहीं रहने देंगे। गरीब को नहीं, मकान है उनको पैसे दिए 30-40 हज़ार और वो गरीब मकान लोग किराए पे रह रहे हैं, तो उनका जो पैसे इन्होंने दिए वो उनके किराए पे चले गए। नहीं कह रहे थे महिला सुरक्षा की बात करते थे, बोलते थे महंगाई को बहुत कम कर देंगे। कुछ नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और क्या किया इन्होंने, जाके जे आए हैं हमको दौड़ाया तहसील में, हमको दौड़ाया कोर्ट में, हमको दौड़ाया किसी पीएचई ऑफिस में। क्यों हम दौड़े कि ये बनाओ दूसरा कागज़ बनाओ दूसरा, लेकिन जो लोगों के कागज़ बनाए ना सब खत्म कर दिए, उसमें कुछ नहीं मिला लोगों को। तो बुज़ुर्ग, मैं बताऊँ आपको, 500 बुज़ुर्ग बिछना ब्लॉक में रहने वाली हूँ मैं, 500 लेडी देखी मेरे को बोलने लगे वहाँ के लोग हॉस्पिटल के कि मैडम आप गरीबों की सेवा करते हो। मैं क्या करूँ, रो रही हूँ मैं। 500 लेडी, कोई अन्नी कोई कहानी कोई गंजी क्या मेरे पास है, इतना दुख हुआ। मोदी जी ने दुनिया को बहुत दुख कर दिया, इनको क्या मिल रहा है ऐसे करके, बहुत दुख किया हुआ है। खाना भी मुंह से निकाल लिया मोदी जी ने, वो भी हमारा छोड़ दिया, खाना भी नहीं खाने के लायक रखा है। और बताइए क्या क्या दिक्कत है इतनी मोदी जी से? हाँ जी, दिक्कत क्यों है मोदी जी से? बड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बड़ी ज़्यादा इतनी दिक्कत हो रही है ना कि मोदी जी कहीं क्या बोले, बाईगार्ड गुस्सा है इसमें आ रहा, गालियाँ निकालती हैं लोग। ये बोलते हैं मेरे को 10 लोग नहीं 10,000 गाली निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, जब मन दुखी हो रहा ना। एक काम और इसने किया, क्या किया, नोटबंदी की बात बताऊँ आपको। इसने रात के 12 बजे जो काम कर रहा है उल्टा कर रही है, रात में 12 बजे की, अगर दिन में करता ना तो आधे लोग मर जाने थे। और एक दिन मैं बताऊँ, मैं गई थी कि सत्संग में, वहाँ की लेडीज में बता रही थी कि क्या करें, मोदी ने गाली निकाली, मोदी ने मैंने पैसे जोड़े थे अपने पास कोई 70-80 हज़ार रुपया, तो मैं क्या करूँ, नोटबंदी कहाँ जाऊँ। वो बुढ़ी बेचारी क्या करी, किसी ने उसको दिया, वो बेचारी बैंक में गई, उसके बेटे को किसी ने सुना दिया कि तेरी माँ बैंक में है। वो जब बेटा, माँ तो बैंक में क्या करने गई थी, और मोदी ने जो स्यापा डाला था ना वो मैं पैसे निकाल, फिर उसके बेटे ने पैसे ले लिए उनसे। जो हमारी इज्जत थी, जो बुजुर्गों की इज्जत थी, अपना मरण जिन जेब में रखा था ना, इसने मोदी ने सब खेर दिया। लेकिन अच्छे दिन का वादा लेकर ये लोग आए, ये कोई अच्छे दिन वादा, ये क्या, सुनो मेरी बात, ये बोलता मुंह से बोलता, करता कुछ नहीं, हाथ से कुछ नहीं करता, मुंह से बोलता है। कह रहे 9 साल में जो कर दिया कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। सुनाइए ना क्या करें, मेरे साथ आप चलो, मेरे साथ मोदी चले ना, मैं बताऊं घरों घर में जाके मोदी को कि क्या लोगों की हालत है। मैं बताऊं ना मोदी को, इसने मुखे मर दिया हमें, तब तक यहाँ तक गाली निकाल दिया दिन रात। ये मोदी तुम मर जा, कोई और आए हमारे राहुल गांधी जैसे उनको वो यही बोल रहे हैं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इसलिए लोग बोल रहे हैं मैं मर जाऊं। क्या कर रहा है बता, ये बताइए, ये आप बता दो मुझे, इसने क्या चाहिए, जो रोड़े बना रहा, सुनो मेरी बात, रोड़े सड़कें बना रहा, गरीब को रोड सड़क नहीं देखनी, गरीब को रोड देखनी, गरीब को पेट चाहिए खाना भर के, उसने शाम को फुलके बनाने हैं, उसको आटा ये कहता आटा खा ले, इसका परिवार खुद का नहीं है, इसको पता नहीं घर कैसे चलता है, कैसे चलाया जाता है। आटा फेंकना ऊपर, आटे के साथ 20 चीज़ें चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, फिर बाहर जाके खाना। आप लोग मोदी जी को गाली देते हो? हाँ देते हैं, वो गाली गिन के बैठे हुए हैं। गाली गिन के बैठे रहे, इसको पता क्या, जो बात दो है ना बहस सुन लो बात, मैं एक गुरु वाली हूँ और तो ये जो लोगों की बद्दुआ ले रहे ना इसका हिसाब एक को एक एक देना पड़ेगा, ये मैंने बता दिया। वो कह रहे बद्दुआ देने वाले कम है, दुआ देने वाले करोड़ों हैं। हाँ, दुआ कोई नहीं, ऐसे सामने देते हैं 5-10 बद्दुआ देने वाली बहुत है। चलो मेरे साथ, मैं 10,000 से आपको सब बद्दुआ दुआऊंगा आपको।
जिसका पेट में खाना नहीं जा रहा ना वो बदबू। यार इतनी तरक्की कर दी दुनिया में, नाम बढ़ रहा है। कौन सी बताओ है? एक तरक्की बता दो ना, एक तरक्की। सिलेंडर 1200, तेल 200 रुपया, आटा 25 रुपया किलो, तो मीटर, अच्छा सुनो, जो मीटर है उसका 5000 बिल बताइए। आप बताइए क्या कर रहा है? कहते थे कि सड़कों में सोना नहीं है रात को, हमने अपने अंदर कमरे में। कह रहे हम महिलाएं जो हैं वो प्लेन उड़ा रही हैं, महिला बहुत मजबूत हो गई यार, है। प्लेन से बोर्ड आ गई, जो बेचारियां पढ़ी लिखी नौकरी वाली हैं, जो बेचारियां ग्रांड गांव की लेडीज हैं, वो बेचारे घर में रहके गोवा गोबर उठाएंगी, गाय देखेगी, उन्होंने बेचारे कहां डालना, उनको तो उतना चाहिए ना। ये बताइए मोदी जी कहते थे जब मैं आऊंगा तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, ऐसा हो रहा है? कहां चल रहा है, कहां चल रहा है बताओ मुझे, कहां चल रहा है, कौन ही चल रहा है? मोदी जी, बहनों भाइयों कर दिया, बहनों भाइयों कभी इससे हाथ से कर दिया, बहनों भाई ऐसा से बहन बहन भाई, ये क्या यार झूठ बोलते हैं मोदी जी, झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। कोई भी बात इन्होंने जो भी की ना, बोला मैं तहसील में गया एक दिन, मैंने बोला मैंने अपनी जमीन का इंतकाल बनाया, तहसील तो समझ गया मैं, तो झूठ क्यों बोलते हैं मोदी जी, झूठ बने क्यों, झूठ पे झूठ झूठ पे। भाई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, इतनी मेहनत की उसने, मैं अभी ये बात बोलूंगी, मैं कोई नहीं, सुन मेरी बात, चाय बेचने वाले का दिमाग है ना वो चाय वाला ही होगा उसका, अगर वो हवाई जहाज चलाता ना शुरू से तो उसका दिमाग तेज होता, जो चाय बेचने वाला होटल वाला बंदा उसका दिमाग कितना होगा, जो अपना बंदा घर नहीं चला, गुजरातियों का दिमाग बहुत होता है, नहीं होता नहीं होता, उसका चाय बेचने वाला दिमाग है ना उसका वो ही चल रहा, अगर उसका दिमाग चाय बेचने वाला ना होता आज दुनिया ऐश लेती, दुनिया गालियां निकालती इसको। कई लोग बोलते हैं चाय बेच रहे थे अब देश बेच रहे हैं, उसी को गलत हो रहा है, वही तो गलत हुआ, ये चाहिए ना था पब्लिक का, अभी पब्लिक रो रही है, अभी मैंने बोला मारो फुल पे मोरो मारो, ये बेड़ा गर्क हो गया आपका, बेड़ा गर्क हो गया इसका, ठीक है ओके आ रहा हूँ आपके पास इनसे बात करके, एक मिनट दो मिनट रुकिए, थोड़ा थोड़ा लेना, ये बताइए कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है? नहीं बिल्कुल बढ़िया नहीं चल रहा है, मोदी राज में बिल्कुल बढ़िया नहीं चल रहा है। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, महिलाओं का देखिए शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मणिपुर घटना ले लीजिए, लखनऊ घटना ले, दिल्ली की घटना ले लीजिए, इतने बलात्कार महिलाओं लड़कियों के ऊपर हो रहा है, महंगाई इतनी हो गई है, सिलेंडर इतने महंगे हो गए, भाई सिलेंडर जब 400 का हुआ था स्मृति ईरानी सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी कि इतना महंगा है, लेके सड़कों पर प्रदर्शन कर दिए, अब नहीं दिखाई देती स्मृति ईरानी कहाँ है, सिलेंडर क्यों इतना महंगा हो गया, अब नहीं उनकी बोली निकलती।